नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कल्याणकारी फटाफट खबरें, और वो खबरें दोस्तों ओआरओपी के ऊपर, सीजीएचएस के ऊपर, मेडिसिन री एम्बर्समेंट के ऊपर, एक्स सर्विसमैन की फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर। इन तमाम खबरों को आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अच्छा अपडेट निकल कर आया है। 29 मई 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि अब सीजीएचएस के लाभार्थी वो ओपीडी मेडिसिन का री एम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। दोस्तों, ये खबर उन सीजीएचएस लाभार्थियों के संदर्भ में है जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, जिनको सीजीएचएस के मेडिकल ऑफिसर द्वारा या किसी गवर्नमेंट और इम्पैनल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट द्वारा दवाई प्रेस्क्राइब की गई है, वो अब 31 जुलाई 2020 तक मार्केट से दवा खरीद के खा सकते हैं और उनका क्लेम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, जो सीजीएचएस लाभार्थी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाकर दवाई लेना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अब नॉर्मली फंक्शन करने लगे हैं पहले की तरह। वो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाके अपनी नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं बाजार से खरीदने की बजाय। तो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आप मार्केट से खरीद के भी दवा ले सकते हैं, उसका क्लेम कर सकते हैं, और आप सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाके भी नॉर्मल प्रैक्टिस में दवा ले सकते हैं। आपको बाजार से दवा लेके क्लेम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये अगली खबर भी सीजीएचएस लाभार्थियों के संदर्भ में, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 29 मई 2020 को, जिसमें सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी को एक्सटेंशन किया गया है कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए। और उसकी कंडीशन क्या क्या है देखिए दोस्तों, जो कि इस तरीके से है, जितने भी सीजीएचएस पेंशनर्स बेनिफिशियरीज हैं और जो एनुअल बेसिस पर जिनका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है, जिनके सब्सक्रिप्शन का कंट्रीब्यूशन एनुअल बेसिस पर है, अगर उनकी सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई या उसके बाद खत्म हो रही है, तो उनके कार्ड की वैलिडिटी को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों, एडिशनल डायरेक्टर सिटी द्वारा। और वो बढ़ाए दोस्तों सीजीएचएस बेनिफिशियरियों की जो रिक्वेस्ट आई थी उनके बेस पर, और उनके उनके कार्ड की बढ़ी हुई वैलिडिटी का जो स्कैंड कॉपी है वो उनके ईमेल पर भेज दिया गया है। और दोस्तों, सिमिलरली जो सेवा में हैं और जो 31 मार्च 2020 या उसके बाद जो सुपर एनुएटेड रिटायर जा रहे हैं और जिनको अभी तक उनके पीपीओ नहीं प्राप्त हुए हैं, उनके सीजीएचएस कार्ड को ही पेंशनर सीजीएचएस कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसकी वैलिडिटी भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गई है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस का मेंबर नहीं है इस पीरियड में, तो उनको अपने सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट का एक प्रूफ सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, ये जो बढ़ा हुआ पीरियड है वो उनके कार्ड में इंक्लूड कर दिया जाएगा, रेगुलराइज कर दिया जाएगा जब वो सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट करेंगे उस समय। और दोस्तों, ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है इन कर्मचारियों को, सीजीएचएस बेनिफिशियरीज को, वो दिया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है जो कोविड-19 के कारण पैदा हुई है उसकी वजह से। और आने वाले भविष्य में इस प्रोसीजर को कोई साइट करके ये नहीं कह सकता कि पहले भी ऐसा हुआ है अब भी कर दो, नहीं, ये सिर्फ कोविड-19 के कारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ये सीजीएचएस के लाभार्थियों को ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है। और देखिए दोस्तों, आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर क्या कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई, नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां
आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। और दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 29 मई 2020 को, जिसमें बताया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर्स मैरिज विडोज रीमैरिज एप्लीकेशन, यानी कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से लेकर पूरी कंट्री में, उसकी वजह से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जिनकी लड़कियों की शादियां और या विधवाओं के पुनर्विवाह हुए थे उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता दी जाती है उसके लिए वो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, जिसके लिए 180 डेज का टाइम होता है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अब उस पीरियड को और 60 दिन बढ़ाया जा रहा है उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिनकी बेटियों की शादी 22 सितंबर 2019 या उसके बाद हुई। तो दोस्तों इस पीरियड में जितने भी हमारे एलिजिबल एक्स सर्विसमैन हैं वो चिंता ना करें, और 60 दिन का टाइम उनको मिला है, अगले 60 दिन में वो अपने प्रोसेस को पूरा करें ताकि उनको ये आर्थिक सहायता मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, आशा करता हूं कि ये खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। इन सारी खबरों के लेटर आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।